दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। संपर्क करें 9425138551। माँ ज्वाला देवी के धाम से ठीक ऊपर लगभग 250 फीट ऊंचाई पर गोमजी सोमजी का स्थान है। यह पहाड़ी इसी नाम से भी जानी जाती है और इसके पीछे एक प्राचीन इतिहास है। आदिवासी राजाओं के तौर पर गोमजी सोमजी को जाना जाता है। इनके पीछे का किस तरह का प्राचीन इतिहास रहा है और क्या कुछ इनके बारे में जानते हैं आज के गोंड राजाओं के वंशज, आइए समझने का प्रयास करते हैं इस रिपोर्ट में। कितना प्राचीन इसका इतिहास है, क्या जानकारी रखते हैं आप? ये बहुत पुराना है, गोंडवाना से चलते आया है ये। एक बड़े भाई को मांस मदिरा पसंद नहीं, छोटे भाई को मांस मदिरा पसंद है। जो भी श्रद्धालु आता है वो अपना मन्नत पूरे करता है, छोटा भाई के पास में जाके उनका मन्नत पूरे हो जाता है तो अपना मन्नत पूरे करता है। जय सेवा, जय गोंडवाना। जिला अस्पताल बालाघाट में एक वृद्ध की मौत हो गई और उसका शव कई घंटे तक बेड पर पड़ा रहा। इसे लेकर स्थानीय युवाओं ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को लेकर जमकर हंगामा किया है। जानकारी के मुताबिक मेडिकल वार्ड में भर्ती एक बुजुर्ग की रविवार की सुबह 4 बजे करीब मौत हो गई थी। इस पर अस्पताल प्रबंधन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसे लेकर कुछ युवकों ने जानकारी मिलने के बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। बताया गया कि मरीज को क्रोनिक लीवर डिसऑनर की समस्या थी, उसका काफ़ी दिनों से यहां पर इलाज चल रहा था। उसके साथ कोई अटेंडर भी नहीं था, उसे बाहर इलाज की सलाह भी दी गई थी लेकिन कोई नहीं होने से रिफर भी नहीं किया गया था। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ही उसकी देखरेख की जा रही थी। हालांकि उसकी मौत कब हुई इस बात की जानकारी प्रबंधन को पता नहीं चल सकी, जिसके चलते शव उठाने में हुई देरी को लेकर युवाओं ने हंगामा किया है। सर एक्चुअली क्या, एक अननोन नंबर से हम लोगों को फ़ोन आया कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और बहुत स्मेल कर रही है, ठीक है। तो हम लोग ने बोले चेक कर, एक्चुअली हम लोग क्या ब्लड डोनेट करने वाले यहाँ पे आते रहते हैं। तो हम लोग आए तो वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है, तो हम लोग ने वहाँ पे डॉक्टर्स को ढूंढने की कोशिश की, वार्ड बॉय को ढूंढने की कोशिश की, कम अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा हमारे पास उसके रिकॉर्डिंग से, हम लोग ने आधा घंटा ही कोशिश की, नहीं मिला। हमने वॉचमैन को कहा तो जब हम डॉक्टर के यहाँ पहुँचे तो डॉक्टर सो रहे थे अपने रूम में। उन्होंने बोले यहाँ पर बहुत सारा वो है। फिर वहाँ पर वार्ड बॉयज़ आए जो विदाउट यूनिफॉर्म्स थे, हमने कहा कि भाई आप, बोले नहीं, बोले हम लोग रात में ऐसे ही रहते हैं। हम लोग जा कर के देख रहे हैं, हमने डॉक्टर को कहा आप चेक तो करिए वो डेथ हो गई कि नहीं। नहीं नहीं, बोले वो डेथ हो गई है। मैंने मेडिकल से पूछा, मैम आप उनके, आपका उनके पास होगा ना कि आप बताइए कब वो एडमिट हुए। वो कह रही हैं कि उनके पेट में स्वेलिंग थी और हमने छू के बता दिया। सर छू के मतलब, मैंने उन्हें यही कहा कि मैम आप हकीम का कोर्स नहीं करिए, आप डॉक्टर हैं, आपको सोनोग्राफी वगैरह जो भी होता है हम लोग को नॉलेज नहीं है लेकिन आपको करना चाहिए। तो सडन एक अंकल आए जो यहाँ का सुपरविज़न करते हैं, सो कॉल्ड सुपरविज़न,
जो इतना घटिया है, आप सारे लोगों से यहाँ पूछ लीजिए, जिसके वॉशरूम्स रूम्स इतने गंदे हैं। ज़्यादा दूर नहीं, कोने नहीं, नहीं जाना सुपरविजन उनका कब मौत होना बताया जा रहा सर है। उनका जो है लास्ट उनको 3 बजे जिंदा देखा गया, उनकी बॉडी इतनी गंदी अकड़ चुकी है जो 10-12 घंटे में भी नहीं ऐसी बॉडी अकड़ती है। एडमिट है यहाँ पर वो सर बताया तो ये जा रहा है, मैम कह रही 21 तारीख से, बाकी लोग कह रहे हैं 4-5 दिन से, मैम कह रही 21 तारीख का हमारे पास डेट है वहाँ पर स्थिति। मैडम उनकी एंट्री 21 तारीख की एंट्री है, 1 तारीख का डिस्चार्ज है, फिर वो कह रही है नहीं नहीं वो डिस्चार्ज नहीं है, वो अभी तक एडमिट है। इसका यह मतलब उन्होंने दूसरी एंट्री करी ही नहीं, वहाँ भी लापरवाही उन्होंने करी। सर वो 2-2.5 महीने पुराना पेशेंट था और क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर का पेशेंट था, वो लीवर सिरोसिस थी उस पेशेंट्स को, वो कई बार उसके मतलब एडमिशन हुआ, कई बार उसकी छुट्टी भी हो गई थी, और पिछले 2-2.5 महीने से वो वहीं पर है, वो 1-2 दिन के लिए कई बार चले जाता है, उसके साथ कोई अटेंडर भी नहीं आ रहे थे। और क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर एक प्रकार की पुरानी मतलब थोड़ी गंभीर बीमारी है, वो उसमें समस्या रहती है, तो वो क्रोनिक लीवर सिरोसिस वाला पेशेंट था, जिसका इलाज कई बार अस्पताल में चल रहा था, कई बार डिस्चार्ज भी हो चुका था पेशेंट, और उसका इलाज प्रॉपरली कई बार यहाँ पर हुआ था, पर एक वो क्रोनिक बीमारी है, चूँकि वो क्रोनिक बीमारी लीवर सिरोसिस में, उसमें इंसिडेंस ऐसे होते हैं। सर कुछ हंगामे की स्थिति भी बनी थी, क्या है पूरा मामला, हंगामा किस कारण हंगामा हो रहा था यहाँ पर? हंगामा चूँकि इसलिए हुआ क्योंकि उसके 3:30 बजे करीब डेथ हुई थी उसकी, और वहाँ पर अभी उस वक्त किसी ने देखा नहीं था, उस टाइम पर वहाँ पर स्टाफ वगैरह नहीं थे, पर वो बहुत पुराना पेशेंट था, और चूँकि वो क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर लीवर सिरोसिस का पेशेंट था, हमारे सिविल सर्जन सब लोग सर से भी बात हुई, और स्टाफ का पुराना रिकॉर्ड्स था वो, और काफ़ी पुराना पेशेंट्स था वो, तो उसमें कई बार ऐसा होता है क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स में डेथ वगैरह होती है। बैहर विधायक संजय उइके ने परसा मऊ में आंगनवाड़ी केंद्र के लिए भूमि पूजन किया और उसके बाद मंडल की बैठक में भी शामिल हुए। इस मौके पर विधायक के अलावा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सरपंच परसा मऊ और वार्ड पंच सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। कार्यक्रम से पूर्व विधायक संजय उइके का ग्रामीण जनों द्वारा बैगा संस्कृति के मांदर नृत्य से स्वागत किया गया। तत्पश्चात उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण आंगनवाड़ी भवन के लिए विधि विधान से लोकार्पण किया। विधायक ने कहा कि शिक्षा के बिना आदिवासी समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। उन्हें अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ आधुनिक शिक्षा पद्धति को समझकर स्वयं का विकास करना पड़ेगा। हमारे पिछड़ेपन का मूल कारण शिक्षा के प्रति उदासीनता है, इसीलिए हर आदिवासी परिवार अपने बच्चों को उच्च शिक्षित करने की दिशा में ध्यान दे। भूमि पूजन कार्यक्रम के उपरांत विधायक ने परसा मऊ में मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली और बूथ सेक्टर कमेटियों में अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर कांग्रेस की जन कल्याणकारी नीतियों के प्रचार प्रसार करने के लिए जोर दिया। बालाघाट तहसील के ग्राम पचपेड़ी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीण जनता को कानूनी जानकारियां दी गई, साथ ही विधिक सहायता एवं जन जागरूकता मेला, ऋण पुस्तिका आदेश एवं खसरा की प्रति का वितरण भी किया गया। कुल 19 कृषकों को ऋण पुस्तिका की प्रति यहां पर वितरित की गई।